हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं बच्चों? आई होप आप सब ठीक होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच रहे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेंगे। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक शेयर जरूर करें। और मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो को देख के आपके रिजल्ट में, आपके रिजल्ट के नंबर में इजाफा जरूर होगा, इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। अब चलिए, आप ही के कहने पे, आप ही के कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने टेंस को लाया। टेंस के कुछ यूजेस हैं, टेंस के तीनों फॉर्म के कुछ यूजेस हैं जो एग्जाम में आते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जिसको मैं बता रहा हूं। टेंस यानी लोग कहते हैं टेंस यानी टेंशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। टेंस मतलब टेंशन नहीं होता है। मैं टेंस को बहुत ईजी बनाया हूं इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है जो लोग टेंस को देखेंगे, मेरे इस वीडियो को देखेंगे, टेंस रियली उसके दिमाग से जो टेंशन नाम का वर्ड है वो हट जाएगा। बहुत ही इजी मैं बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। एज वी नो कि टेंस के थ्री फॉर्म होते हैं, तीन प्रकार के टेंस होते हैं, हिंदी में इसको काल कहा जाता है, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम टेंस बहुत ईजी बनाया है आज के वीडियो में, तो आप देखिए। हम चलते हैं टेंस की तरफ। टेंस के तीन काइंड होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन, जो काम हो चुका है दैट इज इन पास्ट टेंस, जो चल रहा है प्रेजेंट, और जो आने वाला वो फ्यूचर टेंस है। वेरी सिंपल। लेकिन प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं, ये बात भी आपको जान लेना जरूरी है। जो प्रेजेंट टेंस के काम होते हैं ना, वो चार तरह के काम होते हैं जो हम यहां डिस्क्राइब किए हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला फॉर्म है, पहला सबकाइंड है, उसका नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है हमारा टेंस, उसका पहला जो सबकाइंड है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब देखिए, कोई भी टेंस के सबकाइंड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चर, सबकाइंड का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, उसको स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं, हिंदी में बनावट कहते हैं। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनावट क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऑन या वर्ब आई प्लस ऑब्जेक्ट है। और वर्ब ऑन का यूज कहां होता है, वर्ब आई का यूज कहां होता है, मैं वो भी क्लियर करूंगा आपके साथ। तो देखिए, वर्ब ऑन का यूज आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ होता है। वेरी सिंपल, आपको आराम से समझ में आएगा। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी सबके साथ वर्ब ऑन का यूज करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब फाइव का यूज करेंगे। वर्ब फाइव में जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर्स आते हैं। मैंने सिंगुलर्स लिखा है, सिंगुलर के साथ वर्ब फाइव का यूज होता है। और वर्ब वन का यूज आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ होता है। दैट इज वेरी सिंपल। तो यहां ये कंफ्यूजन आपको होगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव मैंने लिखा हूं ऑब्लिक में, यानी वर्ब वन का यूज कहां होगा, वर्ब फाइव का यूज कहां होगा। तो इसको मैंने इधर क्लियर किया कि वर्ब वन का यूज कहां होता है, वर्ब फाइव का यूज कहां होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं आप। चलिए, तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब फाइव, वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल इधर लिया है, आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब वन का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी वेक्स अप एट 6 o'clock, वो 6 बजे जगती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब फाइव का यूज किया गया है। एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके हैं, जो भी करवाया जा रहा है, एक एक सेंटेंस आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के एग्जाम को मैंने फोकस किया है, उसको देख के ही मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अभी एग्जाम के लिए, कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मींस क्या होता है, कि सेंटेंस को आप देख के पहचानेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, कैसे देख के पहचानेंगे आप, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई। तो कुछ ट्रिक्स है हमारे पास जिसको देख के आप ये पता कर लेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इट्स वेरी इजी। तो देखिए, कुछ हम आइडेंटिफिकेशन है आपको बताते हैं। जैसे आपके सेंटेंस में अगर डेली रहे, एवरीडे रहे,
अलवेज रहे, नेवर रहे, सेल्डम रहे, यूजुअली रहे, अगर ये सारे वर्ड्स हैं आपके सेंटेंस में तो आप समझेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको पता है कि सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करना है, और वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज मैंने इधर बताया है, कुछ क्वेश्चन भी हम लिए हैं, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। अब देखिए मैं और इसके अलावे इन आइडेंटिफिकेशन के अलावे दो तीन काम ऐसे हैं जहां पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, किसी की हैबिट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैसा सत्य जिसको टाला नहीं जा सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना। और कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। मेरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जब स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जरूर। उस टेस्ट सीरीज में हम लोग टेस्ट देंगे, हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे और आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर भी बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा, ये मेरा वादा है। तो नेक्स्ट है, देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन मतलब हुआ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वर्ब 1 या वर्ब 5। अब देखिए द अर्थ जो है और सिंगुलर इसलिए मैंने इसके साथ वर्ब 5 का यूज किया है, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का जो नेक्स्ट सब काइंड है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कंटीन्यूअस का मतलब ही है लगातार काम रेगुलर हो रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में उस तरह के काम को रखते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है, यानी बोलते समय अगर कोई काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम रखते हैं, बोलते समय जो काम हो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रखते हैं। जैसे देखिए इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट के साथ इज एमआर के साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अब देखिए इज का यूज सिंगुलर के साथ, एम का यूज केवल आई के साथ, और आर का यूज प्लूरल के साथ, दैट इज वेरी इजी। तो इसका मैंने एग्जांपल लिया, वी आर गोइंग टू स्कूल नाउ, अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं। या शी इज ईटिंग एट प्रेजेंट, अभी वो खा रही है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब आगे क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन भी लिखा है। आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देख के आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। अब जब ये आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो उसके बेस पे आप सब्जेक्ट के साथ इज एमआर और वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए कुछ आइडेंटिफिकेशन, नाउ वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आना है, मस्ट है, 110% नाउ आएगा, सेंटेंस में नाउ आएगा, हम लोग पहचान लेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। फिर जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ इज एमआर के साथ वर्ब फॉर और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर शी है तो सी के साथ इज क्योंकि सिंगुलर है, वी है तो वी के साथ आर क्योंकि ये प्लूरल है। तो ये सारे कुछ आइडेंटिफिकेशन है। अब मैंने इधर कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस तरह के टाइप आते हैं एग्जाम में, मैंने उधर लिया है। देखिए क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं एग्जाम में, सी नेवर डेस हियर, सी नेवर डेस हियर, आपको भर्ब दिया हुआ है कम। अब देखिए हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें हैं, आइडेंटिफाई करें कि नेवर है तो स्ट्रक्चर में हमारा देखिए यहाँ नेवर है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, या तो वर्ब 1 का यूज होगा या वर्ब 5 का। तो वर्ब 5 का सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब 5 का यूज करेंगे, कम्स का, वेरी सिंपल, एग्जाम में यही आएंगे आपको इस तरह के, श्योर। आगे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का लिखा है सी डैश नाउ, नाउ को देख के ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और सब्जेक्ट के साथ इज एमआर के साथ वर्ब फॉर का यूज होता है। अब हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी सिंगुलर नंबर इसलिए इज का यूज होगा, सी इज सिंग का सिंगिंग वर्ब फॉर का यूज होगा, सी इज सिंगिंग नाउ। तो ये बहुत इजी है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस का ही अगला सब काइंड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी काम कंप्लीटली हो चुका है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का ही ये सब काइंड है, तीसरा सब काइंड है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ हैज़ के साथ वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट का यूज करना है, पर हैज़ के साथ वर्ब 3 का यूज होता है, हैज़ के साथ वर्ब 3, हमने एग्जांपल भी दे रखा है, आई हैव टॉट द स्टूडेंट,
मैं स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं। अब देखिए प्रॉब्लम आपको यहां ये हो सकता है कि हैज और हैव का यूज कहां होता है। तो हमने इधर लिखा है हैज और हैव का यूज, हैज का यूज ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ होता है हैज का यूज, और आई वी यू और दे के साथ और प्लूरल के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। वेरी सिंपल, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, आई वी यू दे है दे और प्लूरल्स के साथ हैव का यूज करते हैं, ये बहुत सिंपल है। अब देखिए आई है, आई के साथ हैव का यूज होता है, आई हैव टॉट द स्टूडेंट। देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें जस्ट और जस्ट नाउ आपको वर्ड्स मिलेंगे जो आपको ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है जस्ट और जस्ट नाउ। देखिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन मैंने डाला है इधर जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप यही रहेगा आपके क्वेश्चन का। जैसे माई डैश, सॉरी यहां फादर छूटा है, माई फादर डैश जस्ट नाउ, जस्ट नाउ को देख के ये आइडेंटिफाई हम लोग कर पाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट है। अब ये दिमाग में मेरा आ जाना चाहिए ये आइडेंटिफिकेशन, तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट का नाम लेते ही आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, हैज के साथ, वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा इधर माय फादर है, माय फादर सिंगुलर है, ये तो पता है कि हैज का यूज होगा और वर्ब थ्री का यूज होगा, वर्ब हमारा कम है तो कम कैम कम इसका वर्ब थ्री होता है, वर्ब का फॉर्म भी थोड़ा आपको जाना है कम कैम कम, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डैश जस्ट, ही डैश जस्ट, तो जस्ट जस्ट को देख के आइडेंटिफाई हम लोग कर पाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, वर्ब है कम यानी वर्ब थ्री, इसके साथ भी वर्ब थ्री का यूज होगा हैज कम जस्ट। तो ये प्रेजेंट टेंस के तीन फॉर्म थे जिनका यूज हमने बताया है, बाकी के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के यूज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लेकिन लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद, गुड नाइट। Gotta rub it.